लक्ष्मी मंत्र के दिवाली स्पेशल एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे आप घर बैठे बैठे खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 आइडिया शेयर करूंगी जिनकी मार्केट में डिमांड भी है और आप इन आइडियाज को, इन बिजनेसेस को घर बैठे बैठे बस मोबाइल और लैपटॉप के जरिए शुरू कर सकते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ। हाय, मैं हूँ श्रुति चतुर्वेदी, आप लक्ष्मी मंत्र देख रहे हैं, एक फाइनेंशियल लिटरेसी शो जिसे खास करके बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए। हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन पर क्लिक किया हुआ है ताकि हमारा कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। सबसे पहला आइडिया है ब्लॉगिंग। इसके बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपसे इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने बिजनेस की शुरुआत एज अ ब्लॉगर की थी, जहाँ मैं लोगों की कहानियाँ लिखती थी जिनकी काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, और बस ये कहानियाँ लिखते लिखते आज वो ब्लॉगिंग मीडिया कंपनी बन गया है। अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर पैशनेट हैं, अगर आपके पास उसके लिए उसके अराउंड रीजनेबल इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आप भी खुद का ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कॉन्टेंट डालते जाते हैं, लोग आपको पढ़ना शुरू करते हैं और आपकी एक लॉयल ऑडियंस बनने लगती है, और जब वो एक लॉयल ऑडियंस बन जाती है तब ब्रांड्स सामने से चलकर आपके पास आते हैं कोलैबोरेशन के लिए, क्योंकि वो भी आपके ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, आप पोइट्री लिख सकते हैं, कुकिंग के बारे में रेसिपीज डाल सकते हैं, गार्डनिंग के बारे में चीज़ें लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू थिंक इज योर कोर स्ट्रेंथ। अब हालांकि ब्रांड्स आप तक पहुंचे और आपकी बहुत बड़ी ऑडियंस बने, उसके लिए ब्लॉगिंग में तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए। आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल तक कंसिस्टेंटली आपको कंटेंट डालते रहना पड़ता है, तब जाके आप उस स्टेज पर पहुंचते हो। बट वंस यू रीच दैट स्टेज, इट बिकम्स अ कैश काउ। थैंक्स टू द इंटरनेट अब ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ आप घर बैठे बैठे अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये नॉर्मली वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से हम हमारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर खुद को एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हैं और खुद के प्रोडक्ट्स की अच्छी सी फोटोज लेकर, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखकर उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं फॉर अदर्स टू लुक एट इट एंड बाय। ये प्लेटफॉर्म्स आपसे एक फिक्स्ड फी चार्ज करते हैं, प्लस यूजुअली आपके सेल्स पर एक कमीशन चार्ज करते हैं, विच इज प्रिटी ओके क्योंकि इवेंचुअली यू स्टिल एंड अप हैविंग सम प्रॉफिट मार्जिन। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर या तो खुद की बनाई हुई चीजें बेच सकते हैं, या अगर आपने कुछ चीजें होलसेल पर खरीदी हैं, आप इन्हें एज अ सेकेंडरी सेलर भी बेच सकते हैं। ई कॉमर्स का यूजुअल फॉर्मूला होता है कि जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट, जितनी अच्छी आपकी सर्विस, उतने अच्छे आपके रिव्यूज, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स। ऑलमोस्ट हर प्रोमिनेंट कंपनीज अपने स्टेक होल्डर्स को त्योहारों पर कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भेजते रहते हैं। जैसे कि अब न्यू ईयर आ रहा है तो आप देखेंगे कई लोग आपको गिफ्ट्स भेजेंगे, पर किसे क्या गिफ्ट भेजना चाहिए और उन्हें क्या पसंद आएगा, ये सोच पाना सबके बस की बात नहीं होती है। अगर आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट अच्छा है कि किसे क्या पसंद आएगा और किस बजट में आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है, और अगर आप उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, देन यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। ओके, सो शुरुआत में इस बिजनेस में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। इनिशियली आपको क्लाइंट से ऑर्डर मिलता है, आपको एक बजट असाइन किया जाता है, उस बजट में आप अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और फिर उस बजट में कौन सी बेस्ट गिफ्ट्स हैं आप वो चूज कर अप्रूवल के बाद में उन्हें अच्छे से डेकोरेट करके अपने क्लाइंट के स्टेक होल्डर्स को भेज सकते हैं। इवेंट्स और सेलिब्रेशंस, ये हर इंडियन की रग रग में दौड़ता है और हमें सेलिब्रेट करने के लिए बस चाहिए होता है एक मौका और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई रिलायबल। अगर आपकी इवेंट प्लानिंग स्किल्स अच्छी है तो आप इवेंट्स को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुरुआत में फैमिली मेंबर्स के, फ्रेंड्स के छोटे छोटे फंक्शन से आप शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको बड़े इवेंट्स भी मिल सकते हैं। इवेंट प्लानिंग में ओवरऑल आपको इवेंट को विजुलाइज करना है, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उस इवेंट को डिजाइन करना है, वेंडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, बेस्ट कॉस्ट लेकर आना है और अच्छे से उस इवेंट को एग्जीक्यूट करना है। खाना बनाना ऑलमोस्ट हर होम मेकर को आता है, पर उस स्किल का बिजनेस बनाना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई महिलाओं ने टिफिन सर्विसेज के बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑलरेडी बिल्ड किए हैं। तो अगर आपको खाना बनाना आता है और अगर दिन में आपके पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा होता है तो आप एक टिफिन सर्विस का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं,
जिसमें आपके आसपास जो यंगस्टर्स हैं, जो बैचलर्स हैं, जो जॉब्स के लिए, पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर रह रहे हैं, उनके लिए आप एक अच्छा सा हेल्दी, न्यूट्रिशियस और टेस्टी घर का खाना बनाकर देने वाली टिफिन सर्विस की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आपको बस अपने आसपास आपके पड़ोसियों को आसपास की बिल्डिंग्स में बस पैम्पलेट्स बंटवाने हैं कि आपकी कैसी टिफिन सर्विस चलती है, एंड देन जस्ट सी योर बिजनेस ग्रो। आज के वीडियो के बाद आपके पास दो टास्क हैं। सबसे पहला आपको पता करना है कि आपकी ऐसी कौन सी स्किल है जिसे आप एक बिजनेस बना सकते हैं, एंड नंबर टू, जब आपको ये पता चल जाए कि कौन सी स्किल है और अगर आपके खुद की बिजनेस शुरू करने की इच्छा है तो फिगर आउट करिए कि आप पूरे दिन में से कितना टाइम उसे दे सकते हैं, प्रैक्टिकली आप उसे कितना टाइम दे सकते हैं। वंस यू फिगर दीज थिंग्स आउट, तो हमने लक्ष्मी मंत्र के एक पहले वीडियो में बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, उसके क्या फर्स्ट फ्यू स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, उसे देखिए और एक खुद का बिजनेस प्लान बनाइए। खुद का बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे पाएं। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे प्लीज लाइक करिए, इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लक्ष्मी मंत्रा। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.